का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है, पाचन तंत्र। किसमें देख रहे हैं हम ये, इन ह्यूमन में देख रहे हैं ना। अपन पहले बात करते हैं ह्यूमन में, मनुष्य के अंदर बात करते हैं कि कैसे हम किसी भी टाइप का फूड खा रहे हैं और उसे मैं क्या कर पा रहा हूँ, पचा पा रहा हूँ। तो क्या होगा कि अगर मेरे को अपनी पूरी लाइफ प्रोसेस चलाना है ना, तो क्या करना पड़ेगा हमको, उसके लिए क्या जरूरत रहेगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी। और वो एनर्जी हमको कहाँ से मिलेगा, फूड से। तो हम किसी भी टाइप का फूड इनटेक करते हैं तो उसे कैसे मेरा जो बॉडी है वो क्या करता है, डाइजेस्ट आराम से कर पाता है। तो अपन देखते हैं, सबसे पहले अपन बनाते हैं यहाँ पे माउथ। सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करें किसकी, माउथ की बात कर रहे हैं कि हम किसी भी टाइप का क्या कर रहे हैं, फूड को अपटेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले उसका ब्रेकडाउन कहाँ पे टूटेगा, वो माउथ में टूटेगा। किसकी मदद से, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, पित प्रेजेंट होते हैं माउथ में, होते हैं ना, टीथ होते हैं, नहीं होते हैं, बोलते हैं ना 32 टीथ होते हैं, ठीक है। तो ये मेनली कितने टाइप्स के होते हैं, चार टाइप्स के टीथ होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले क्या होता है, इनसाइजर जो सबसे सामने होते हैं, फिर ये जो है ना ड्रैकुला जैसे दांत होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं अपन, कैनाइन बोलते हैं। उसके पीछे जो दांत होते हैं उन्हें बोलते हैं प्रीमोलार, और जो सबसे पीछे मोटे तगड़े दांत होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, मोलार बोला जाता है, ठीक है। तो उनकी मदद से हम क्या करेंगे, हम किसी भी टाइप का फूड को क्या करेंगे, आराम से कट कर पाएंगे, चीर फाड़ कर पाएंगे, और उन्हें छोटे छोटे भाग में क्या करेंगे, ब्रेक डाउन कर पाएंगे, ठीक। जैसे मान लो एग्जांपल, जैसे मेरा फेवरेट पनीर है, तो अपन देखते हैं, मान लो मैं पनीर खा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ मैं, पनीर। तो अब इस पनीर के अंदर प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है या फैट्स है, वो सभी मेरे को इंटेक करना है, तभी मेरे को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो क्या करूंगा मैं, जब इसको मैं अपने माउथ में से च्याओ च्याओ चबाऊंगा, है ना, बोलते ना 32 और चबाना चाहिए। रीजन क्यों है, क्योंकि आप जितना शॉर्ट या ब्रेक डाउन करेंगे फूड को, जितना छोटे छोटे फॉर्म में उसे तोड़ोगे, उतना ही ज्यादा उसमें क्या होगा, हम देखेंगे आगे पढ़ने वाले, एंजाइम मिक्स होगा, और उतना ही ज्यादा इसके अंदर जो भी एनर्जी है वो आपका बॉडी क्या कर पाएगा, उसको अपटेक कर पाएगा, है ना। तो क्या होगा कि टीथ की मदद से, उन चार टीथ की मदद से मैं क्या करूंगा, इस पनीर को अपने दांतों से च्याओ च्याओ चबाऊंगा, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, एक होगा सेलेवरी ग्लैंड, सेलेवरी ग्लैंड या ग्रंथि जिसे बोलते हैं। तो वो ग्रंथि क्या करेगी, एक एंजाइम सिक्रीट करेगी, उस एंजाइम का नाम क्या होगा, अमाइलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम होगा वो, अमाइलेज एंजाइम। इस अमाइलेज एंजाइम का काम क्या होगा, सबसे पहले माउथ में किसका ब्रेकडाउन होगा, फूड में कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट को किसकी मदद से, इस अमाइलेज एंजाइम की मदद से, अमाइलेज एंजाइम की मदद से किसमें तोड़ेंगे, ग्लूकोज में, किसमें तोड़ेंगे, ग्लूकोज में। तो सबसे पहले फूड में किसका ब्रेकडाउन होता है, कार्बोहाइड्रेट में, कौन सा एंजाइम है, अमाइलेज, कौन रिलीज किया, सेलेवरी ग्लैंड्स, है ना, चिपचिपा पदार्थ अपन देखते हैं ना। और किसमें तोड़ा, ग्लूकोज, मतलब छोटे छोटे भाग में तोड़ दिया, पहले हमने सुक्रोज लिया और उसका हमने ब्रेकडाउन किया किसमें, ग्लूकोज में किया। कहां पे हो रहा है ये प्रोसेस, माउथ में। अब उसके बाद यहाँ पे कौन आएगा, है ना, सेकंड जो होता है वॉइस बॉक्स जिसे बोलते हैं, लैरिंग्स। लैरिंग्स को क्या बोला जाता है, वॉइस बॉक्स, आवाज देखते हैं ना, लड़कों का आवाज मोटा होता है, लड़कियों का आवाज थोड़ा पतला होता है, रीजन क्या है, वो डिपेंड करता है वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स के ऊपर। उसके बाद ये जो ग्रसिका है वो आगे जाएगी, उसे अपन क्या बोलते हैं, ओसोफेगस, ओसोफेगस अपन बोलते हैं ना, ग्रसिका। क्या होता है, हम देखते हैं कि ये जो ग्रसिका है यहीं से फूड पाइप भी गया है, और यहीं से कौन गया है, वाइंड या एयर का पाइप भी गया है ना। अगर अपने एक स्मॉल ऐसा डायग्राम बनाए यहां पे, तो ये क्या है, ये है फूड पाइप, कौन सा पाइप है, फूड पाइप, और इसी के सामने से कौन गया हुआ है, एयर का पाइप है, वाइन पाइप बोल सकते हैं, या एयर का पाइप गया हुआ है ना, दोनों मतलब साथ में है ना, सामने वाइन एयर का पाइप है, जस्ट पीछे कौन सा है, फूड पाइप है। तो क्या होता है, आपने सुना होगा कि कभी भी बहुत ज्यादा स्पीडली हमको खाना नहीं खाना चाहिए। रीजन क्या है, जैसे मैं देखा ना, अपन शादी पार्टी में जाते हैं, घर में कोई टेस्टी खाना मिला हमारा पेट,
हम एकदम स्पीडली उसको खाने लग जाते हैं, लेकिन बोलते हैं हफ्सी जैसे खाना। कैसा खाना? हफ्सी जैसे खाना खाना। तो उसमें क्या होता है, जब आप बहुत स्पीड से खाना खाते हो तो क्या होता है, खाना आपके फंस जाता है इस ग्रसिका में, है ना, इस नली में फंस जाता है। और देखते हैं फिर हमको क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होता है। रीजन क्या होता है, जब बहुत स्पीड से खाना खाते हो तो वो खाना फूड पाइप में ना जाके किस में चला जाता है, इस वाइंड या एयर पाइप में चला जाता है। तो नॉर्मल सी बात है, आप अगर खाना यहाँ पे फंस गया तो हमको पता है इसके जस्ट आगे पढ़ने वाले रेस्पिरेशन सिस्टम, तो क्या होगा, नीचे से जो गैस CO2 प्रेशर दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो उससे क्या होगा, और ना ऊपर से क्या मैं ऑक्सीजन ले पाऊंगा क्या, नहीं, ये ब्लॉकेज हो गया, ये रास्ता ही ब्लॉक हो गया। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम पानी पीते हैं, जोर से छींकते हैं, है ना, प्रेशर देते हैं। तो जैसे हम जोर से छींकेंगे तो अंदर से क्या होगा, जो एलोविलाई होता है वो प्रेशर जनरेट करेगा, तो उससे क्या होगा, ये खाना जो है टुकड़े बाहर आ जाएगा, है समझ में। तो अब इस चीज से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गेट होता है, यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ पे गेट होता है जिसे बोला जाता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या बोलते हैं उसे, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या करता है कि जैसे हम खाना खा रहे हैं तो वो कुछ सेकंड के लिए बंद करता है, फिर ओपन होता है, फिर बंद करता है, फिर ओपन होता है। इसे बोलते हैं खाना आराम से खाना चाहिए, क्योंकि हम आगे जाके देखेंगे कि अगर हमको एनर्जी चाहिए, ग्लूकोज तो मिल गया, खाली ग्लूकोज से क्या मेरे को ATP मिल जाएगा क्या, नहीं, मेरे को साथ में ऑक्सीजन भी चाहिए। तो आप खाना खा रहे हो, कुछ सेकंड के लिए ही वो एपिग्लोटिस बंद होगा, खाना नीचे जाएगा, फिर वो ओपन होगा, तब गैसों का आदान प्रदान होगा। आई बात समझ में, ठीक। और यहाँ पे खाना नीचे जाता कैसे है, क्योंकि यहाँ पे आपने खाना खाया है ना, दांतों की मदद से उसको क्या करें, छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर दिया। अब इस ग्रसिका से खाना नीचे कैसे जाएगा, तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसा क्रमानुकुंचन प्रोसेस होता है ना। कैसा, आप ये समझो कि ये पाइप है, अब इसमें क्या होगा, ऐसा प्रेशर जनरेट होगा, फिर ये फूलेगा, है ना, फिर ये प्रेशर जनरेट होगा, फिर ये ऐसा फूलेगा, ठीक। मतलब आप समझो कि यहाँ पे क्या होगा, जैसे अगर मैं ऊपर एक आप बलून पकड़ते हो, फुलाओगे उसको, अगर बीच से दबाओगे तो क्या होगा, जब ये भाग पिचक जाता है तो ऊपर या नीचे हवा ज्यादा थी ना, फूलता ही नहीं फूलता एरिया। सेम कंडीशन यहाँ पे होगा कि ये अब यहाँ की जो वॉल होंगे वो क्या होंगे, दबेंगे फिर फूलेंगे, फिर दबेंगे फिर फूलेंगे, जिससे क्या होता है, खाना धीरे धीरे कहाँ पहुंचेगा, नीचे अमाशय में पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा, अमाशय में, जिसे क्या बोला जाता है, स्टोमक बोला जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, स्टोमक, ठीक। अब जो सबसे पहले हमने फूड को किसमें तोड़ा, कार्बोहाइड्रेट में तोड़ा, कार्बोहाइड्रेट किसमें टूटा, छोटे पार्ट्स ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हुआ, किसकी मदद से, अमाइलेज एंजाइम की मदद से। अब जो फूड है वो कहां पे आ चुका है, वो आ चुका है स्टोमक में। अब क्या होगा, हम देखते हैं, अब इस खाने को क्या होगा, स्टोमक ब्रेक डाउन करेगा, किसमें, हम देखते हैं सर क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कौन प्रेजेंट होता है, HCl, कौन होता है, HCl। HCl का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्ल मतलब वो क्या है, एक तरह से एसिड है कि नहीं है, मतलब इसका पीएच क्या होगा, इसका जो पीएच होगा यहाँ पे वो होता है 4 से 5, है ना, जो पीएच होगा वो 4 से 5 होता है। क्या होगा उसमें, मतलब खाना भी अम्लीय फॉर्म में है, तो अम्लीय फॉर्म में तो क्या होगा कि वो उस खाने को क्या करेगा, बहुत जल्दी क्या करेगा, डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा या गलाने में हेल्प करेगा। अपन देखते ना कहीं पे अगर एसिड, कहीं अपन प्रैक्टिकल कर रहे हैं लैब में, और अगर कोई एसिड हमारे कपड़े में गिर गया तो कपड़ा बहुत जल्दी क्या होता है, जलने लग जाता है उतने एरिया में। तो सेम कंडीशन यहाँ पे हो रहा है कि जो स्टोमक है उसके अंदर जो वॉल है वो क्या सिक्रेट कर रही है, HCl सिक्रेट कर रही है, ताकि अब जो खाना आया है उसे क्या कर सके कि बहुत ही जल्दी क्या करना है, उसको डाइजेस्ट करना है। हम देखते हैं कि स्टोमक के अंदर जो फूड होता है वो कितना, 4 से 5 घंटे तक रहता है ना, उतना टाइम लग रहा है क्या उस फूड को आराम से क्या करने में, डाइजेस्ट करने में या उसको गलाने में, है ना, क्योंकि जितना स्मॉल हम फूड को ब्रेक डाउन करेंगे उतना ही एनर्जी मेरे बॉडी क्या करेगा, उससे अपटेक कर पाएगा। आई बात समझे। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर HCl हमारे शरीर के अंदर है तो हमारा स्टोमक क्यों नहीं जल रहा है, है ना, सीधी सी बात है, जब अगर एसिड अगर कपड़े में गिर जा रहा है, हम प्रैक्टिकल लैब में कर रहे हैं, कपड़े में गिर जा रहा है तो वो पूरा कपड़ा जल जाएगा। तो जब एसिड, वो एसिड इतना कॉन्सेंट्रेट है मेरे शरीर के अंदर, स्टोमक के अंदर है, तो वो क्यों नहीं जल रहा है, रीजन होता है क्योंकि इसके ऊपर होता है वॉल, इसका म्यूकस का वॉल होता है, इसका वॉल होता है म्यूकस का लेयर प्रेजेंट होता है, जो कि बहुत ज्यादा मोटा है ना, जो कि क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं इसे वॉल को क्या बनाने में, बेस बनाने में हेल्प कर रहा है ना, जिससे क्या होगा,
कि जो HCl है वो उस लेयर को या उसके स्ट्रक्चर को डैमेज ना पहुंचाए, और सिर्फ क्या करे उस फूड को क्या करे डाइजेशन करने में हेल्प करे, डाइजेस्ट करे उसको छोटे छोटे भाग में तोड़े। अब हम देखते हैं सेकंड ये है कि स्टोमक में किसका ब्रेकडाउन होता है। तो सबसे पहले हमने देखा माउथ में किसका ब्रेकडाउन हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का। अब हम देखते हैं सेकंड किसमें स्टोमक में किसका ब्रेकडाउन हो रहा है। यहाँ पे अपन लिख लेते हैं ये कहाँ पे हो रहा था, माउथ में। ठीक, अब अपन बात करें किसकी, स्टोमक की, कि स्टोमक में किसका ब्रेकडाउन होता है। तो किसका ब्रेकडाउन होगा, प्रोटीन। मतलब आप जो भी फूड खा रहे हो अगर उसमें कौन है, प्रोटीन है, तो उस प्रोटीन को क्या करना है, हमको ब्रेकडाउन करना है ना, तभी हमको क्या मिलेगा, उससे हम वो प्रोटीन को अपटेक कर पाएंगे और जिससे मेरा जो बॉडी है वो प्रॉपर ग्रोथ कर पाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे एंजाइम होगा प्रोटीएज एंजाइम। कौन सा एंजाइम होगा, प्रोटीएज एंजाइम होगा, या तो यहाँ पे और जैसे प्रोटीएज एंजाइम यह होगा पेप्सिन। क्या होगा, पेप्सिन, जो कि क्या करेगा, ये जो प्रोटीन हमने अपटेक किया है इसको तोड़ेगा। किसमें तोड़ेगा, अमाइनो एसिड में। किसमें तोड़ रहा है, अमाइनो एसिड में तोड़ रहा है। मतलब हमने जो फूड लिया है, हमने जो प्रोटीन लिया है, वो इस प्रोटीएज एंजाइम या पेप्सिन की मदद से प्रोटीन को तोड़ रहा है। किसमें, अमाइनो एसिड में। आगे हम देखेंगे सर अमाइनो एसिड का मेरे बॉडी में क्या काम है, अपन देखेंगे ना कि अमाइनो एसिड ही क्या बनाने, क्या बना के जाएगा मेरे बॉडी में, प्रोटीन का चैन बना रहा है। कैसे हम देखेंगे, वेरी गुड। अब इधर देखते हैं, अब खाना कहाँ पे था, इतने देर में स्टोमक में था, कितने 4 से 5 घंटे लग रहे हैं उस खाने को किसको एकदम बहुत ही मतलब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने में। ठीक, अब ये खाना कहाँ जाएगा, अब उसको जाना है छोटी आंत में। कहाँ जाएगा वो, छोटी आंत में। अब क्वेश्चन ये आ रहा है सर कि यहाँ पे जो फूड था वो तो HCl है ना, एसिडिक फॉर्म में था, और यहाँ पे आपने बोला कि ठीक है म्यूकस लेयर है इसलिए वो मोटा है तो वो डैमेज नहीं पहुंचा रहा, पर क्या आगे भी ऐसा कुछ लेयर प्रेजेंट है क्या, नहीं। तो अब अगर ये फूड अगर नीचे जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो लेयर है नीचे का जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो तो आराम से जल सकता है या उसको डैमेज पहुंच सकता है, नहीं। रीजन क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, बाइल जूस। ये कौन है, गॉल ब्लैडर। ये कौन है, गॉल ब्लैडर। कहां पे होता है, लीवर में। कहां पे होगा, लीवर में। क्या रिलीज करता है गॉल ब्लैडर, बाइल जूस। किसकी मदद से, बाइल डक्ट की मदद से। यहां पे लिख देता हूं किसकी मदद से, बाइल डक्ट की मदद से। क्या रिलीज कर रहा है, बाइल जूस रिलीज कर रहा है। और यहाँ पे और क्या प्रेजेंट होता है, अग्नाशय, जिसे अपन क्या बोलते हैं, पेनक्रियास। जिसे हम क्या बोलते हैं, पेनक्रियास, पेनक्रियास, जिसे हिंदी बोला जाता है अग्नाशय। क्या रिलीज करता है ये करता है पेनक्रियाटिक जूस। क्या करता है, पेनक्रियाटिक जूस रिलीज कर रहा है। और इसके अंदर भी हम देखेंगे कि अमाइलेज प्रेजेंट है, लाइपेज प्रेजेंट है ना, और अमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया, है ना, टाइलिन प्रेजेंट है ना। क्या करेगा ये, अब जो भी फूड है उसको क्या करेगा, ब्रेकडाउन। हम देखें हमको फूड को पूर्ण रूप से क्या करना है, छोटे छोटे भाग में तोड़ना है। ठीक, तो अब जैसे ही ये आ रहा है तो यहाँ पे ये बाइल जूस रिलीज कर रहा है और ये क्या कर रहा है, पेनक्रियाटिक जूस रिलीज कर रहा है, जिससे क्या होगा कि अब ये जो खाना है वो एसिडिक रहेगा क्या, नहीं। अब इसे मैं वापस किस में चेंज कर दूंगा, बेस में चेंज कर दूंगा। मतलब इसका पीएच क्या हो जाएगा, 7 से ज्यादा हो जाएगा, है ना। पीएच इसके जानते होंगे 0 से अगर 6 तक है तो वो क्या होगा, एसिडिक है। 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और 7 से अगर 14 की बात करेंगे आगे, मतलब 8 से 14 की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बेस, एसिड न्यूट्रल और बेस होगा। तो अब ये खाना कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में।
अब क्या होगा कि हम देख रहे हैं प्रोटीन का ब्रेकडाउन तो कहां हो रहा है, स्टोमक में, पर कुछ प्रोटीन बचे हुए होंगे जो भी कौन उसका ब्रेकडाउन करेगा, पेनक्रियाटिक जूस या पेनक्रियास ब्रेकडाउन करेगा, क्योंकि इसमें भी वो एंजाइम प्रेजेंट होंगे, है ना। और अब ये खाना कहां पे आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, थर्ड नंबर अपन देख लेते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन करेगा किसका, लिपिड का। किसका ब्रेक डाउन करेगा, लिपिड का। किसमें छोड़ेगा, वो फैटी एसिड में, फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में। किसमें तोड़ रहा है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। किसकी मदद से, लाइपेज एंजाइम की मदद से, लाइपेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है, लाइपेज एंजाइम। देखो नाम समझ में आ रहा है, प्रोटीएज एंजाइम, पी प्रोटीन को तोड़ रहा है, पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ रहा है, लाइपेज एंजाइम किसको तोड़ेगा, लिपिड को तोड़ेगा। किसमें, स्मॉल पार्ट, फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में क्या करेगा, उसका ब्रेकडाउन कर देगा। अब क्या हो रहा है कि अब जितने जो भी फूड में फैट तो हम ब्रेकडाउन कर ही रहे हैं ना, लिपिड का ब्रेकडाउन कर ही रहे हैं, उसके अलावा अगर कार्बोहाइड्रेट भी है कुछ मात्रा में बचे हुए होंगे या लिपिड होंगे, तो उसका ब्रेकडाउन भी कौन करे, कहाँ पे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा, क्योंकि यहाँ पे एमाइलेज भी प्रेजेंट है, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे क्या है, लाइपेज भी प्रेजेंट है, और क्या होगा, पेप्सिन हो गया, और ट्रिप्सिन भी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, ट्रिप्सिन। तो स्मॉल में अपन यहाँ पे लिख सकते हैं एल टी ए, लाइपेज, ट्रिप्सिन और एमाइलेज, जो कि क्या करेगा उस फूड को, क्योंकि अब उसको वेस्ट तो नहीं जाने देना है, उसके अंदर जो भी एनर्जी है उसको हमको पूरा क्या करना है, अपटेक करना है। कहां पे होगा वो, स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्या होता है कि यहां पे ऐसा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम बोलते हैं विली। मान लो यहां पे मैं बना देता हूं डायग्राम, कौन प्रेजेंट होते हैं, विली। विली का काम क्या होता है, ये ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि फूड के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हैं उन्हें क्या कर सके, अब्सॉर्ब कर सके, क्या कर सके, उसे अब्सॉर्ब कर सके, ताकि वो ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन के पास जाए और हमको क्या मिले, एनर्जी मिले। आई बात समझ में। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कहाँ जाएगा, अब हम देखेंगे कि सर स्मॉल इंटेस्टाइन को भी हम तीन भागों में डिवाइड कर रहे हैं, किसमें किसमें, सबसे ऊपर अलग होता है ड्यूओडेनम, फिर होता है जेजनम और फिर होता है इलम, है ना, इलियम जो होता है, सॉरी इलियम होता है ना, तीन भागों में डिवाइड कर रहे हैं। और उसके बाद अब ये कहाँ पे जाएगा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाना हमने पूर्ण रूप से क्या कर लिया, अब्सॉर्ब कर लिया, जो डाइजेशन होना था लास्ट डाइजेशन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और अब ये कहाँ पे जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। अब हम देखेंगे कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, अच्छा हम देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। नाम ये लार्ज जरूर समझ में आ रहा है ना, बट साइज किसका ज्यादा बड़ा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। पर नाम क्यों स्मॉल है, रीजन है कि ये क्या होता है कि अंदर ऐसे गुच्छे के फॉर्म में रहता है, इसलिए हमको ये कैसा दिख रहा है, बहुत ही स्मॉल दिखाई दे रहा है, बट एक्चुअल में साइज की अगर बात करेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादा लंबा होता है किससे, लार्ज इंटेस्टाइन से। ठीक, अब लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है कि अब उस फूड में, फूड को हमने पूर्ण रूप से डाइजेस्ट कर लिया, अब उसमें वेस्ट होगा, पर उसके अंदर अगर वाटर होंगे या सॉल्ट या इंपॉर्टेंट मिनरल्स होंगे तो उसको कौन रीअब्सॉर्ब करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन। कौन रीअब्सॉर्ब करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन करेगा, क्योंकि कुछ भी चीज हमको वेस्ट जाने नहीं देना है ना, और हम इंडियंस होते हैं, हम तो ऐसे भी कोई भी चीज वेस्ट जाने देते ही नहीं है ना। तो क्या करना है कि जो भी चीज है उसको हम क्या करना है, रीअब्सॉर्ब करना है। ठीक, और यहां पे क्या होता है, अपेंडिक्स होता है। क्या होता है, अपेंडिक्स। ये क्या करता है, एक्चुअली इसका यूज पहले हुआ करता था, या तो अगर हम देखेंगे जब एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे तो एनिमल्स में क्या होता है, अपेंडिक्स का यूज होता है, क्योंकि हम देखेंगे कि जो जानवर होते हैं, शाकाहारी जानवर जितने भी होते हैं, मान लो वो घास फूस खा रहे हैं, तो उनको डाइजेस्ट करने में कौन हेल्प करता है, अपेंडिक्स। पर हमारे शरीर में अपेंडिक्स का कोई भी यूज नहीं होता है ना। अब उसके बाद अब जो भी फूड जो वेस्ट हो रहा है, वेस्ट मटेरियल है, वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा रेक्टम में, कुछ ऐसा बना देते हैं, कहाँ जाएगा,
रेक्टम में। रेक्टम में क्या होगा कि जो भी वेस्ट फूड है वो क्या होता है कुछ टाइम के लिए वहां पे स्टोर रहता है ना, जो भी मतलब फूड से हमने पूरा मटेरियल निकाल लिया, अब वो वेस्ट पार्टिकल है तो वो कहाँ पे स्टोर रहेगा, उस रेक्टम में। और उसके बाद सबसे लास्ट कहाँ पे, एनस में। एनस से होते हुए वो जो भी वेस्ट है वो कहाँ होगा, बॉडी से बाहर रिमोट हो जाएगा। तो हमने क्या देखा डाइजेस्टिव सिस्टम में कि मैं कोई भी टाइप का फूड खा रहा हूँ है ना, कोई भी फूड ले रहा हूँ मैं, उसको कैसे मैं डाइजेस्ट कर रहा हूँ और उससे कैसे मैं एनर्जी क्या कर रहा हूँ, अपटेक कर रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं माउथ में, तो माउथ में किसका ब्रेकडाउन होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है। उसके बाद हमने देखा स्टोमक में किसका ब्रेकडाउन होगा, प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा। उसके बाद हमने किसमें देखा, स्मॉल इंटेस्टाइन में किसका ब्रेकडाउन होगा, लिपिड का, किसमें टूटेगा, फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में। तो उस हिसाब से मैं क्या कर रहा हूँ, एक फूड से एनर्जी अपटेक कर रहा हूँ ताकि मैं अपना जो लाइफ प्रोसेस है वो प्रॉपर वे से क्या कर सकूँ, चला सकूँ। तो ये था डाइजेस्टिव सिस्टम। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे रेस्पिरेशन सिस्टम। ओके, थैंक यू।